इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल के महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का रेप के साथ मर्डर होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, और जो रिपोर्ट सामने आई उसने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी, और इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था, इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए, जिससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया खौफनाक हत्याकांड था। हैरान करने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे, या फिर वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात। इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले सेमिनार हॉल में जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं उस फीमेल डॉक्टर को सृष्टि नाम से रेफर करने वाला हूं। वैसे तो ये उनका रियल नेम नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सृष्टि एक जूनियर डॉक्टर है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से सृष्टि अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी, और 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह सृष्टि अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मोम का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। सृष्टि की मोम उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है, जिसके रिप्लाई में सृष्टि बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है और उसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी मोम से बात करने के बाद सृष्टि पेशेंट्स को देखने ग्राउंड फ्लोर पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में सृष्टि को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने क्लीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते करीब रात के 3 बज जाते हैं, और इस वक्त सृष्टि थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। सृष्टि के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी, क्योंकि सृष्टि कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी, जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा भयानक नजारा होता है जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस कर्मचारी की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर सृष्टि की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी है। यहां खड़े सब लोगों के लिए यह ट्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। सृष्टि की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी सृष्टि कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है,
लेकिन हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। हम आपको सच का सामना करवाए उससे पहले कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि सृष्टि के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और जब लेडी डॉक्टर उस दरिंदे से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया एवं उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और यहीं से असली सच का सामना होने जा रहा है। पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं और सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। सौभाग्यवश पुलिस वालों को वहां पर सृष्टि के कुछ नेल पेंट और ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक नेक बैंड वाला ब्लूटूथ। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे होते तो, लेकिन दुर्भाग्यवश सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। फिलहाल जिस रास्ते से फ्लोर पर जाया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि फ्लोर पर कितने लोग आए गए थे, जिसे चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि ये लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहां कुछ भी अनहोनी दिखाई दिया कि नहीं। लोगों से पूछताछ के समय पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पेयर करते हो तो अगली बार वह उससे रिकनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है क्योंकि यह ब्लूटूथ हैंडसेट 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक पुलिस के साथ एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंदर काम करते हैं और छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। आपने बहुत से पार्किंग या फिर भीड़भाड़ वाले इलाके में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि बिना किसी मतलब के भीड़ इकट्ठा ना हो। यानी कि पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। हालांकि संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इसी बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ने ही सृष्टि का रेप और मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे अंत में वह डरकर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही सृष्टि का रेप करके मार दिया है। ये मालूम चलते ही कुछ पुलिस वाले और भी प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे, तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था तो उस वक्त वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था, तो क्या वह यह सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले? फिलहाल बाद में जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वो भी सृष्टि के ब्लड से मैच हो जाता है। सॉलिड प्रूफ और इन सारी रिपोर्ट के डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में घुसता है। संजय अक्सर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं है, तो वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है
तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर सृष्टि पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। सृष्टि को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि यहां पर कोई और तो नहीं है। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है, तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 5 बजने से पहले बाहर आता है। इन 45 मिनट तक सृष्टि के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल दहल जाएगा। खासकर सृष्टि के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सैक्रिफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था और वह अकेली बेटी थी, तो उनके लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। हालांकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके यह जानकारी अपने मित्रों तक शेयर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।